स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्वाद की कढ़ाई में। आज हम बनाएंगे फिश करी, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मछली की ग्रेवी के लिए हमने इतना सामान लिया है, धनिया ली है, जीरा लिया है, टमाटर लिया है, एक लहसुन लिया है, 3 लाल मिर्च ली है, 1 प्याज को हमने काट कर लिया है। तो इन सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे। हमने गैस को जला लिया है, गैस पर रख देंगे कढ़ाई को। कढ़ाई गर्म हो गई, इसमें हम तेल डाल देंगे सरसों का। तेल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें हम सौंफ डाल देंगे, पिसा हुआ ये मसाला डाल देंगे। मसाले जो है अच्छे से ये भून चुके हैं, प्याज और टमाटर। अब हम इसमें पीसे वाले मसाले डालेंगे। तो पीसे वाले मसालों में हमने ये मसाले कुछ लिए हैं, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है, नमक है, काली मिर्च है, हल्दी है और गरम मसाला है। सारी चीज़ों को हम इसी में डाल लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। मसाले अच्छे से भून चुके हैं, कलर चेंज हो गया है, इसमें हम मछली डाल देंगे। हमारे यहाँ मछली अलग से तेल में नहीं फ्राई की जाती है, ग्रेवी के साथ ही ये मसालों के साथ ही इसे भूनते हैं हम लोग। इसे हम 5-6 मिनट अच्छे से भून लेंगे, फिर बाद में हम ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे जिससे तली में लगे नहीं। भूनते हुए इसे 5-6 मिनट हो गया है, इसे हम और थोड़ी देर अभी भूनेंगे।
मछली जो है अच्छे से भून चुकी है, इसमें हम पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए। इन्हें हम ऐसे ही खोलने देंगे क्योंकि मछली ढकी नहीं जाती है, खुला ही बनाई जाती है, इसलिए हम इसे ढक नहीं रहे हैं। हम इसे चलाकर एक बार देख लेंगे। अभी हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे, इसका रसा जो है गाढ़ा हो गया। हम इसे थोड़ी देर अभी और पकाएंगे जब तक इसकी ग्रेवी गाढ़ी नहीं हो जाती। तो दोस्तों चलाकर हम एक बार चेक कर लेते हैं। ग्रेवी जो है काफी गाढ़ी हो गई है, तो हम गैस को बंद कर देंगे। मच्छी मारी बनकर तैयार है। थोड़ा सा कटा हरा धनिया डाल देंगे। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, ढेर सारा कमेंट करें।